और अंडे के साथ क्या है भाई, जल गया? बहुत मजे की खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स आज बन रही है फिंगर चिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक ठाक? और आज हो गया है तकरीबन पाँचवा रोज़ा और मुझे पाँचवा रोज़ा इस हफ्ताह की तैयारी है हमारी और तारी लग चुकी है और असाब ने तो खोल दिया पहले से ही बोला अभी अजान भी नहीं हुई है और इंतज़ार कर रहे हैं अजान का। तो जो है आप लोग भी जो है अफ्तार लीजिए क्योंकि जो है यहाँ पे मरीज का टाइम होने वाला है और अजान में तकरीबन पाँच या चार मिनट बाकी है। अच्छा दोस्तों, आज हो गई है सातवीं सहरी और जो है मैं आ गया हूँ वर्कशॉप से काम निपटा के, तो अब बस सहरी की तैयारी है और यास्मीन ने बनाया है अंडा। और अंडे के साथ क्या है भाई, जल गया? लग गया थोड़ा, थोड़ा सा लग गया, चलो खैर है, खा लेंगे, क्या हो गया। और फेनियाँ वगैरह बनाई होंगी है ना, और रोटी पका ली थी पहले ही। तो दोस्तों अब जो है सहरी करते हैं, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक? और आज जो है नवा रोज़ा था, आज जुम्मे का दिन था, तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और बस उसी में लगे हुए थे तैयारी वगैरह में अफ्तारी की और नमाज़ पढ़ने गए और साथ भी मेरे साथ थे साथ जो है तरावी पढ़ के आए और माशाल्लाह से आजकल पूरी तरावी पढ़ रहे हैं साथ, तो थक जाते हैं ये तो कब से प्यार करवा रहे हैं आके, पूरी तरावियाँ पढ़ के आता है मेरा बेटा माशाल्लाह। और जो आज हमने जो दसवीं तरावी पढ़ी है, कल इंशाल्लाह दसवां रोज़ा होगा। बस ऐसे ही इतनी जल्दी से यानी कि जो है रोज़े गुजर रहे हैं, जल्दी जल्दी ये दिन गुजर रहे हैं, पता नहीं चल रहा दिनों का। और जो है आज दसवां रोज़ा हो गया। तो फ्रेंड्स आज बना रही हूँ बस जो है अफ्तार में सादा पुलाव बना रही हूँ हरी मिर्चों का, तो हरी मिर्चें ही डाली हैं, पुदीना डाला है, एक प्याज जो है ब्राउन करके रख ली है, साबुत गरम मसाला डाला है और अभी चिकन डाल दी है, ये बनेगी तो उसके बाद चावल डाल दूँगी। ये बोल रही हूँ हरी मिर्चों का पुलाव बना रही हूँ क्योंकि तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक तो पूरे दिन जो है रोज़े से होते हैं और फिर वो इतनी जो है कड़क कड़क चीज़ें खाना तो एकदम वो मैदे में तकलीफ होने लग गई, तो मैंने कहा आज कुछ हल्का फुल्का सा बनाते हैं, कम मिर्च वाला वो खाएंगे। कल दवाई भी लेके आनी पड़ी तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि भाई ज़्यादा मिर्च का नहीं खाना है, तो इस वजह से हमने कहा ये खाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो है ना वो पुलाव ज़बरदस्त तैयार हो गया, वो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, देखो ज़बरदस्त और जो है ना एक एक दाना बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है इसका, ये देखें और मज़े का है, एक एक दाना खिला खिला। असाद हाथ नहीं लगाना, असाद को भी दिखा दें। अबे असाद भूख लग रही है? नहीं लग रही क्योंकि ये अभी असाद ने अभी अभी अफ्तारी की है ना, तो इस वजह से अभी किसी को भूख नहीं लग रही, अब थोड़ी देर में ही खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए और आज है माशाल्लाह से 11वां रोज़ हो चुका है और दूसरा अशरा लग चुका है। अब जहाँ भी जाएं आए जाएं आप तो दूसरे अशरे की दुआ भी पढ़ते रहा करें मुसलसल। और अभी हम लोग निकलने लगे हैं, बस हसाद भी रेडी हैं, इनको जो है पता नहीं क्या हुआ, सुबह में उठे ना तो एलर्जी हो गई सब जगह, ये देखें अजीब से ना वो लाल लाल से ना डॉट डॉट से पड़ गए, तो फिर अभी जाकर इनको भी डॉक्टर के यहाँ दिखाया, तो उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, अभी दवाइयाँ खिलाई हैं, फिलहाल निकलते हैं क्योंकि ईद की शॉपिंग बहुत ज़रूरी है, तो जाना भी ज़रूरी है। और असाद के पापा जो हैं वो निकाल रहे हैं हमारे लिए जूस, क्योंकि असाद की और मेरी दोनों की दवाइयाँ आ चुकी हैं, तो डॉक्टर ने बाहर की कोई भी चीज़ खाने को मना कर दिया है, तो हम बाहर के सिर्फ जूस लेके जा रहे हैं। सही है, सही है, चलो चले, चलो चले। सो फ्रेंड्स आज बन रही है फिंगर चिप्स, तो आज जो है असाद के पापा गए हुए हैं कंप्लेन पे, तो वो डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा चीज़ें खाने को तली हुई, तो इसलिए मैंने कहा कि बस असाद की नहीं फिंगर चिप्स बना देती हूँ, बाकी जो है ये चाट बन रही है,
यहाँ पे। उसके बाद बस शरबत बनाऊंगी, और अगर कुछ बनाए यानी पकौड़ियाँ वगैरह तो देखो, वरना तो खाने का मूड नहीं है ज़्यादा। बस फिंगर चिप्स ही बनाऊंगी, वो भी आसान के लिए। बाकी जो है आलू और शिमला मिर्चें बनाई हैं, तो खाना खा लेंगे फिर अफ्तार के बाद। सो फ्रेंड्स, अफ्तार का टाइम हो चुका है, आ जाइए अफ्तार कर लीजिए। तो आज बस ये सब बनाया है, और असद को भी बाहर से बुलाया, ये बाहर खेल रहे थे। और भाई और पापा लोग गए हैं, और भी आए शाम हम काले। और फिर हम लोग अभी आते हैं, पापा बटन कब आएगा। सही है। तो आज असद की जो है फरमाइश पे ये बनाई है फिंगर चिप्स, तो सही लग रहा है ना आपको? असाद को अगर घर में अगर कुछ नहीं बनता ना अफ्तार के टाइम पे, तो मज़ा नहीं आता असाद को। तो इस वजह से मैंने कहा आज भी जो है, इनके पापा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कहा असाद के लिए कुछ अच्छा सा बना देती। तो फिंगर चिप्स और पापड़ वगैरह बना दिए, चाट भी बना दिए। अच्छा, तरबूज रही है, वो तरबूज मैं भी निकाल के देती हूँ। शरबत भी बना दिया है। ये रहा रू अफ़ज़ा का, और आज का हमारा ये व्लॉग यहीं तक का था। तो प्लीज़ आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।